अरे बेबी ये क्या चीज से डर रही हो तुम? क्या तुमको डलाला है? बताओ बताओ भाई बताओ। क्या क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या क्या चाहिए तुमको? बताओ क्या कुछ तो चाहिए जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बताओ क्या ये कौन है? इधर देखो ये कौन है भाई? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? बेबी तुमको देख रही है यार, अब तो खुद को देख ली है। क्यों हुआ? अरे नहीं 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 ये कुछ नहीं करता है भाई। ओले 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 बच बच माँ 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 अरे आतंक से सब लोग पहले छान हो चुके हैं। अभी तुम इतना छोटा सा बाबू है, इतना छोटा सा बाबू है, अभी छे इतना आतंक, अभी छे इतना आतंक। बड़ा होके तुम क्या करेगा भाई? बताओ क्या करेगा तुम बड़ा होके? हाँ हाँ वेरी गुड, गिर जा। कहाँ आना चाहते हैं तुम? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अंकिता और अभी बज रहा है सुबह के 10। हाँ 10 बज रहा है। तो मैं हाल याद एकदम मस्त फ्रेश फ्रेश होके, और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है रवा ढोकला। यस बहुत टाइम बाद बना रही हूँ मैं। एक टाइम पे मुझे बहुत पसंद था ये, बट अभी ऑलमोस्ट मुझे आई थिंक 1 साल हो गए होंगे रवा ढोकला खाए हुए। तो मैंने सोचा आज कुछ भी मॉर्निंग में समझ मेरा हर रोज़ का ही है, मुझे हर रोज़ समझ नहीं आता क्या खाऊं, कुछ अलग खाने का मन था तो मैंने सोचा रवा ढोकला ट्राई करते हैं। हाँ तुम क्या सुन रही हो? कुछ भी बात करो तो ये ऐसा सुनती है। क्या हो गया? नींद आ रही है? ओले भाई नींद नहीं आ रही है ना। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा ब्रेकफास्ट में। तो ये रहा मेरा रवा ढोकला, ये बन गया है। इसको बस थोड़ा सा ये इसमें रह गया, क्लीन तरीके से नहीं निकला, बट ये बहुत स्पंज बहुत अच्छा खासा है। फटाफट से तड़का वड़का लगा लेते हैं इसमें, मतलब इसको थोड़ा फ्राई करते हैं, फटाफट से इसको फ्राई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से ब्रेकफास्ट के साथ। तो गाइस ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, और ये बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत टेस्टी बना है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से फ्राई करती हूँ तो ये फ्राई करने में थोड़ा टूट जाता है, बट बहुत टेस्टी लगता है। है क्या करना है भाई? क्या करना है? क्यों के इना बोलो के Thank you.
एकदम ही चुप हो रही है। माओ माओ माओ, हाल है, खाना हाल है, आपका खाना बन रहा है। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं उठाया है मैंने, अपने आप से उठी है। क्योंकि हाँ, जब से मैंने बोला है खाना खिलाओ तब से आप चिल्ला रहे हो। अरे बाप रे, जल्दी खाना लेके आओ वरना मैं रो रो के। हेलो, आ जाओ। अच्छा ये क्या है, ये क्या है? अरे ओ, अरे। ओ। तो जी अब हम चलते हैं बाहर। एक्चुअली वो बर्डू के लिए ना केस देखना था, तो वो केस देखना है। और क्योंकि वीकेंड पे हमने सब्जियों की शॉपिंग नहीं करी है तो सब्जियां भी ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ सब्जियां लेनी है, क्या हुआ? हाँ, कुछ सब्जियां लेनी है जैसे कि इम्पोर्टेंट में हरी मिर्च वगैरह ख़त्म हो गई है, लहसुन ख़त्म हो गया है, बाकी तो चीज़ें हैं ही हैं, तो कुछ ये सारी चीज़ें लेंगे और केस का देखते हैं। केस मिलता है तो चलो फिर आप के साथ ही बाहर भी चलते हैं, एक बार देख लूँ कि अदरक भी है या फिर अदरक भी खत्म हो गया है। तो अदरक भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और आज भी ट्यूसडे है। चलो चलते हैं फिर। निकल के हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मतलब आपको ऐसा वीडियो में दिखेगा नहीं बट बिल्कुल ज़रा ज़रा सी बारिश की बूंदें गिर रही हैं। तो मैंने रजत को भेज दिया ऊपर से अम्ब्रेला लाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ अगर बारिश हुई ना तो इस टाइम तबीयत ख़राब हो जाएगी। ओह गॉड, इतने सारे मच्छर और ठंडी भी है बाहर, लोगों ने तो जैकेट वैकेट पहन रखे हैं। बारिश की बूंदें, पैदल चल के मेरा पैर दुख गया डेली जब मैं जाती हूँ। हम लोग पैदल रोज चलते हैं गाइस, प्लीज नहीं, टू डेज गाइस, लाइक टू डेज से पैदल खराब करता यार। नहीं नहीं, मैं वीडियो नहीं खराब करूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि क्या कहते हैं हमें वो करें। तुम ना हर दिन मेरा वीडियो खराब करता भाई। इस आदमी ने मुझे इतना पैदल चलाया कि मेरे पैरों में दर्द हो गया, और जब मैंने बोला कि मैं बैठ जाऊं तो मैंने इसका हुडी पहना हुआ है तो कहता है हुडी निकाल के बैठो, मेरे मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुडी है, ये नॉर्मल हुडी नहीं है गाइस। बहुत देर से मना कर रहा था मत बैठो तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने बोला मैं यहाँ बैठ ही जाती हूँ, तो कह रहा हुडी निकाल दो फिर बैठ जाओ, क्योंकि ये मेरा हुडी गंदा हो जाएगा, अभी नया है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह एक लाइक एक सब्सक्राइब के लिए कहानियां बनाई जाती हैं। मम्मी कसम खाओ, हाँ मम्मी कसम, मेरी कसम तो मत खाना, मम्मी कसम खिलाई जाती है गाइस, क्योंकि आपने इसी से कंटेंट बनता है। जैसे कि वो एक लड़की है, ये है हमारी चाय और ये है चूचू का खाना। चूचू ने खाना खा लिया है बट चूचू को और खाना चाहिए, उसका पेट भर चुका है पर वो कह रही है नहीं नहीं मैं और खाऊंगी। पेट भर गया ना, छोड़ो मत खिलाओ, ओवर ईटिंग मत कराओ। क्या 20 ml का तो होगा ही। हाँ तो खाना तो ज़्यादा खाई रही अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, और देखो चिल्लाए भी जा रही है, और दो खाना ले इधर, मैं चुप करा दूँ। उसको पता नहीं चल रहा है मैंने खाना खा लिया। आज का डिनर तो थोड़ा हैवी होने वाला है ना, मेरे को तो हल्का लग रहा है, खीर उसकी सारी है, हल्का लग रहा है, देखती हूँ मैं।
तो आज का डिनर तो हमारा थोड़ा हैवी होने वाला है क्योंकि मैंने खीर बनाई है, बहुत सारा दूध बचा हुआ था और कोई बोल रहा था खीर बना दो खीर बना दो, तो मैंने बढ़िया वाली खीर बनाई और मेरी बिना चीनी वाली खीर, और बाकी दाल सब्ज़ी तो सुबह वाली थी, बस रोटियाँ बना ली। ये सही है ना, सुबह में दाल सब्ज़ी बना लो फिर रोटी शाम को बना के खा लो। सो रहा था? हाँ, मैंने तुमको नींद से उठा दिया, बताओ निन्नु मल्ला था और मेलो में बच जाओ। प्यारा तो इतना प्यारा सा है, तुम इतना प्यारा सा है। ओके गाइस, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करें। बाय बोलो सबको, बाय बोलो, बाय 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 बाय। ओके गाइस, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करें। बाय बाय बाय।